A very good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter International Organizations, and our today's topic is Jurisdiction of the UN. Under this, a 6 marks question can come that on the completion of 70 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. And the leaders in the meeting, they decided the following steps that were to be taken to make United Nations more relevant in the changing context. That which steps should be taken, which steps were suggested by all the member nations of United Nations. Kaun-kaun se aise steps uthaye jane chahiye? So the first is creation of peace building commission. एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जानी चाहिए जो कि सारे के सारे वर्ल्ड में शांति बहाल करके रख सके. एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज. बार बार जो एट्रोसिटीज कभी आप दारफूर में देखते हैं, सूडान में देखते हैं, पैलेस्टीनियंस की घटना है, तो वहाँ पर कई स्थानों पर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जेनोसाइड्स आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जब नेशनल गवर्नमेंट ऐसी एट्रोसिटीज़ को रोकने में फेल हो जाते हैं, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझे और कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर उठाए. Establishment of Human Rights Council operational since 19th June 2006. Human Rights Council बनाई जाए जिसमें लोगों के आम मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, उनको सारी facilities provide की जाएं. Agreements to achieve the Millennium Development Goals. Millennium Development Goals नू अचीव करने के लिए अलग अलग agreements किते जान. टेरोरिज्म जिहड़े सारे दे सारे वर्ल्ड दे विच फैलिया होया है, उस दे हर एक फॉर्म नूं कैंसल करन दी कोशिश कीती जावे. अलग अलग लेवल ते जिहड़ा टेरोरिज्म फैला होया है, उहदी कंडेमनेशन होए, उसकी ऑपोजिशन होए. एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसल नूं एक एग्रीमेंट द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि पलाओ जिहड़ा कि लास्ट यूनियन यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट का मैंबर सी, इट हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस इन 1994. सो आफ्टर दैट ट्रस्टीशिप का कोई फंक्शन नहीं रह गया सी, तो इसनों वाइंड अप कर दिया गया. ऑन क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड. वर्ल्ड विच सारे मैंबर सारे नेशनस के विच डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए एक फंड बनाया जाए, सारे देशों में डेमोक्रेसी स्थापित की जा सके. बट दीज आर ऑल द कंट्रोवर्शियल इशूज. इट्स वेरी हार्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, द जेनोसाइड्स एंड एट्रोसिटीज आर गोइंग ऑन. इफ यू सी रोहिंग्यास प्रॉब्लम, इफ यू सी दारफुर क्राइसिस इन 2003 इन विच अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट दे स्टार्टेड, there was a conflict between ethnic people. African rifles ने जदों arms उठा ले Arab dominated government दे against, तो किस किस conflict दे विच United Nations अपनी peacekeeping operation भेजे. कई बारी भेजदा भी है, but afterwards ये सारे दे सारे peacekeeping operations ओनू cancel करने पैंदे ने, वापस बुलानी पैंदी है अपनी अपनी आर्मी. सो हाउ वुड यू सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो द जेनोसाइड्स वर ओपनली द पीपल वर किल्ड बाय अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट इन दारफोर. ओपनली देयर आर यू सी दैट एट्रोसिटीज आर गोइंग ऑन. सो इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट भी होती है, बट हाउ डू यू थिंक दैट यूनाइटेड नेशंस ने पहले इंटरवेन किया सी, ते बाद दे विच उन्होंने अपनी आर्मी नू वापस बुला लिया. दे हैव जस्ट केप्ट ओनली द पेट्रोलिंग आर्मी ऑफ 200 to 300 सोल्जर्स इन दारफोर सूडान. सो वुड दैट रिक्वायर अ चेंज इन जुरिस्डिक्शन. हर समय
इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं सारे दे सारे नेशंस दे विच, तो फिर यूनाइटेड नेशन किस किस एरिया दे विच जाकर इंटरफेयर करे। स्टिल नाउ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स दे हैव सेंट देयर आर्मी इन वेरियस नेशंस एंड दे हैव सक्सीडेड ऑल्सो। Now next is your India and UN reforms. Being an Indian, you know that Security Council की जो expansion हुई थी, it was expanded in 1965. Its members number of members rose from 11 to 15 in 1965. Still then we have only 15 members in the Security Council of United Nations. The majority is from General Assembly, which zyada to zyada members hun developing nations de han, and they are demanding that they also need to shape the decisions of the Security Council also, because the decisions are affecting these developing nations. So being the jo question aapka 6 marks ka yahan se banta hai wo hai, being an Indian, how would you support India's claim to be a permanent member of Security Council? India किस आधार पर Security Council की permanent membership चाहता है? The main thing is that Security Council should have more developing countries in it, and India is also a developing country in Asia. So, किस आधार पर किस क्राइटेरिया पर एक इंडिया आप इस बात का समर्थन कैसे करते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए? इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन द रीस्ट्रक्चर्ड यूएन बिकॉज एक तो ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इतने 1/5 वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिसाइड करती है। Moreover, India is the largest democracy of the world. World का बहुत बड़ा लोकतंत्र है जिहड़ा इत्थे एग्जिस्ट करता है। In all the initiatives of UN, India has actively participated. You can give the example of Indian peacekeeping force in Sri Lanka, in Sudan, in Palestine. India has sent its peacekeeping forces. यूनाइटेड नेशन से हर एक इनिशिएटिव दे विच इंडिया ने बिल्कुल बड़ा खुल के पार्टिसिपेट किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, एंड इट्स एफर्ट इज लॉन्ग एंड सबस्टैशियल वन। इंडिया के जड़े एफर्ट्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे ने, एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक इमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर। As you know that India is emerging as a superpower in the map of the world on economic point of view, from economic point of view, so India da jada claim hai permanent seat da Security Council da, is nu assi is aadhar te bhi support karde han. Moreover, India has also, you have to divide it into points, 5 points are there. It has also contributed in the financial contributions to the UN and never faltered on its payments. कई बारी हर बारी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की हेल्प की है, उन्होंने गुल्लक दे विच मनी बैंक दे विच हमेशा ही कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा है। बट सवाल ये उठता है कि जेकर इंडिया की मैंबरशिप की डिमांड असी क्लेम कर लें हाँ तो नेबरिंग नेशंस कैन अपोज दैम, जस्ट लाइक नेबरिंग पाकिस्तान, इट कैन अपोज द इंडियाज सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज इंडिया इज हैविंग ट्रबल्ड रिलेशंस विद दैट कंट्री। देयर आर सम अदर कंट्रीज विच आर कंसर्नड अबाउट द इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स। दे थिंक दैट its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member, kyunki India de kol jehde nuclear weapons hai onnu vi lokan dwara dusre deshan dwara shak di nigah naal dekhya janda hai,
ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਅਪੋਜ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਿਦ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਸਿੰਸ ਨਾਓ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹੋਪ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਟੇ ਐਟ ਯੋਰ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ।